नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने दलित और आदिवासी की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित आदिवासी वर्गों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सीधी जिले में सरयाम आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किए जाने की अमानवीय घटना से प्रदेश ही नहीं पूरे देश की मानवता शर्मसार हुई है। वहीं दूसरे तीसरे दिन शिवपुरी में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का मुंह काला कर उन्हें मेला खिलाने और जूते चप्पलों की माला पहनाकर घुमाने की जघन्य घटना सहित अनेकों घटनाओं ने भाजपा सरकार के दलित आदिवासी हितेशी होने का चाल चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, भोपाल के बेरसिया में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर सार्वजनिक रास्ते से निकलने से रोका जा रहा है, जिससे उक्त वर्ग के लोगों में भय एवं रोष व्याप्त है। देखो, सरकार जो शिवराज जी की इस प्रदेश में है 20 सालों से, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार की बाढ़ आ चुकी है। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को मल खिलाया जा रहा है, जनजाति वर्ग के हमारे भाई के ऊपर पेशाब करी जा रही है और शिवराज जी को शर्म भी नहीं आती कि एक हमारा कार्यकर्ता पेशाब करता है, नौटंकी करके समाज को गुमराह करने के लिए वो सीएम हाउस में बुलाकर उसके पैर धोने का काम कर रहे हैं। ये समाज सब समझ रहा है, जान रहा है और हम लोगों ने संकल्प लिया है 23 में हम विदा करेंगे। जो कंस मामा जिसने हमारे आदिवासी भाई दसमत कोल के चरण धो के पाप धोने का उन्होंने प्रयास किया, मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से, लगभग 3400 केस हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर दर्ज है, क्या इन सबके पैर धोएंगे शिवराज सिंह चौहान जी? आज तक न्याय नहीं मिला। नेमावर में हमारे आदिवासी परिवार के 5 लोगों को उनकी हत्या की जाती है, उनको 10 फीट गड्ढे में एक ही गड्ढे में गाड़ा जाता है, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। मंदसौर में एक आदिवासी को पिकअप के पीछे पैर से घसीट के उसको मार दिया जाता, न्याय नहीं मिलता। महू में हमारी एक आदिवासी बहन की हत्या होती है और उसके न्याय के लिए जब हमारा आदिवासी समाज वहां पे धरने पे बैठता है तो शिवराज की पुलिस गोली चला के वहां के निर्दोष आदिवासी व्यक्ति भैरूलाल की हत्या करती है। और सबसे बड़ी अन्याय की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब उसके पिताजी उस घटना स्थल पर नहीं थे, तो भैरूलाल आदिवासी के पिता के ऊपर भी पुलिस प्रशासन ने सरकार के दबाव में गलत तरीके से प्रकरण पंजीबद्ध किया। तो चारों तरफ न कानून है ना कोई व्यवस्था है, पूरे जो जितने भी संविधान को ये खत्म करने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये जनता समझ चुकी है। और हम लोग देश की आज़ादी से लेकर के देश के निर्माण में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग ने अपना लहू बहाया है और हम लोग संविधान सम्मत विचारधारा और कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कानून में दिए हुए अधिकारों के तहत आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो अब आज तो हम यहाँ सड़कों पे हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश में जाएंगे और शिवराज की ईंट से ईंट बजा देंगे। जी जी सर, आज प्रदर्शन कर रहा प्रदेश सरकार जी, क्या कुछ? मैं आर वंशल जतारा से। ये आज हमारे अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदेश के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार है उनके विरोध में था। ये शिवराज सरकार इतनी है निकृष्ट हो गई है कि इन्होंने जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों पर बहुत बहुत अपराध कर रहे हैं। अनुसूचित जाति की जनजाति की जमीनें हड़प ली गई हैं सवर्णों द्वारा, उस पर इनके संरक्षण पूरा है। और दलित आदिवासी जो अभी सीधी कांड हुआ है, जो एक बहुत ही घिनौना कृत्य का पूरे भारतवर्ष देख रहा है, इसको शिवराज सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। शिवराज एक तरफ दलित के पांव आदिवासी के पांव धोकर के उसको अपने पाप को धोती है और एक दमक आदमी उसके सिर पर पेशाब करता है, ये बहुत घिनौना कृत्य है। इसी के विरोध में हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं इनका हम पुरजोर विरोध करेंगे और 2023 में इसका जवाब हमारी देश की प्रदेश की जनता देगी। और हमारे कांग्रेस जो है माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में पूरा परचम लहराएगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके नेतृत्व में ये खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.